नवाब मलिक ने यूपी के खिलाफ दिए गए बयान पर भड़के। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा। कुछ लोगों को उत्तर भारतीयों का इतिहास पता नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की उलूल जुलूल की बातें करते हैं। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिस बॉलीवुड के नाम की वो माला जप करते हैं, उनको ना हिंदी भाषियों से प्रेम है, उनको ना बॉलीवुड से प्रेम है, उनको सिर्फ बॉलीवुड के पैसे से प्रेम है। बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाने में, हिंदी सिनेमा को हिंदी सिनेमा बनाने में हिंदी भाषियों का हाथ है। आप एक चीज़ बताइए कि अगर 55 करोड़ हिंदी भाषी अगर हिंदी पिक्चर नहीं देखेगा, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, अगर इन स्टेटों के लोग हिंदी पिक्चर नहीं देखेंगे, तो बॉलीवुड को क्या ये मुंबई में अपने जेब में डाल करके रखेंगे क्या? ये हमेशा उटक नाटक बात करते हैं। और ये क्या जानते हैं आप, उत्तर भारतीयों का इतिहास आप जानते क्या हैं? उत्तर प्रदेश ने 7 प्रधानमंत्री दिए हैं भारत को। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, ऐसा भारत में ऐसा प्रदेश है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। उत्तर भारतीय अपने खून पसीने से मुंबई को सींचा है। और मुंबई नहीं, पूरे भारत में कौन सा ऐसा टावर है किसी भी स्टेट में, 50 मंजिले का टावर हो, 60 मंजिले का टावर हो, जहाँ पे उत्तर भारतीयों का खून और पसीना ना गिरा हो? इन लोगों को उलूल जुलूल बोलने की आदत है। और मैं इनको खुला चैलेंज करता हूँ, आप आइए, चुनाव लड़िए, और आपका लालीवुड निकालते हैं हम इस बार। जो यूपी बुड आप बोलते हैं ना, उत्तर भारतीयों को जो खुलेआम गाली देते हैं, इस बार उत्तर भारतीय आपको बताएगा कि किस प्रकार से उत्तर भारतीयों को गाली दिया जाता है। ये कुछ नहीं है, ये किसी बॉलीवुड के भक्त नहीं है, पैसे के भक्त है। इनको चंदा मिलता है, ये डरवा धमका करके सारे फिल्म स्टारों से, सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से चंदा लेते हैं। और मैं इन डायरेक्टर प्रोड्यूसरों से भी बोलना चाहता हूँ कि अगर उत्तर भारतीयों ने आपका बहिष्कार किया, तो आपकी पिक्चरें धूल फाकेंगी और कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी पिक्चरें देखता कौन है, हिंदी भाषी देखते हैं। इतना ज़्यादा अगर प्यार है, इतना ज़्यादा प्रेम है, तो हिंदी भाषियों से भी प्रेम करिए। मैं तो ये तो स्पष्ट कहता हूँ, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सभी भाषाओं का सम्मान करती है। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ, हमारे पक्ष के जितने भी लोग हैं। ये पूरा हमारा अखंड भारत है, अखंड भारत की सर्वत्र भूमिका हम सम्मान करते हैं। लेकिन कोई हमारी भाषा का अनादर करेगा, हम इसको सह नहीं सकते, क्योंकि हम सभी की भाषा का सम्मान करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पुनः इस प्रकार से यूपी बुड ना बोला जाए। अगर यूपी बुड बोलना हो तो देख लीजिए, आज अभी भी जो प्रधानमंत्री है वो उत्तर प्रदेश से ही है। समझ में आ जाएगा आपको यूपी बुड क्या है, जब यूपी अपनी ताकत दिखाएगी। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ।